सुनते हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं इस्लामाबाद में होने वाली सियासी तब्दीलियों का। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इस वक्त भी बरतानिया में मौजूद हैं और जो रवानगी का इजहार किया जा रहा था कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आके इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद अहम फैसले करेंगे, अब क्या वो अहम फैसले बर वक्त हो सकेंगे या नहीं? और इस हवाले से खान साहब की जो सियासी हिकमत अमली होगी वो क्या होगी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तजियाकार जनाब अमीन यूसुफ साहब, सर इनसे जानते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट का जो चांस वो क्या नजर आता है। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमीन साहब ये कोई नई बात तो नहीं कि पाकिस्तान में अहम फैसलों में ताखीर की जाए, लेकिन इस बार तो कोई नई मिसाल कायम होती है दिखाई दे रही है। देखिए आपने जो अपने इंट्रो में बताया है और मिसाल कायम होती दिखाई नहीं दे रही है, मिसाल कायम हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुशावरत के लिए गए थे, लेकिन वो मुशावरत मुकम्मल मेरी इत्तला के मुताबिक मुशावरत जो हुई है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। फिर उसके बाद जो कोर्ट का फैसला आया है लंदन में वो भी उनके फेवर में नहीं गया, वो भी एक मसला था। फिर दूसरी बात उनको फिर इतला आई कि जी उन्हें कोविड हो गया है। तो ये सब एक सियासी बीमारियां होती हैं जो हम और आप देखते आए हैं मुख्तलिफ मौकों पर। तो मेरे ख्याल से इसमें ताखीर में कोई वजूहत है, कुछ पोशीदा चीजें ऐसी हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। जब तक वो क्लियर नहीं होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है उसकी नॉमिनेशन या जो तैनाती है उसका ऐलान किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो रुकना है वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कोई मसलियात है और कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उन्हें पाकिस्तान वापसी से रोक रही है। लेकिन अमीन साहब आप सीनियर सहाफी जरा इस बात में जरा हमें एलैबोरेट करके समझाएं तो आखिर क्या वजह हुई कि एक ऐसा फैसला जो वजीर आजम की सवाबदीत होता है, वजीर आजम का इख्तियार होता है, वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो फैसला बआसानी तौर पे ले सकते हैं, उस फैसले को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया कि उसमें इतने सारे सुखम इतने सारे पेशो कम निकाले और फिर अब वो फैसले की जब बारी आई तो खुद वजीर आजम साहब मंजर पे नजर नहीं आते। देखें बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आप ये ख्याल रखें और इस बात का आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं है, इनके साथ 13 जमातें और भी हैं। हर जमात का अपना एक स्टेक है, अपने सियासी मफादात हैं और सियासी नजरियात हैं, तो उनको उनको भी देख के चलना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक बात कही थी कि चंद माह के लिए जो है वो एक्सटेंशन दे दी जाए। जी जी जी, ये बात उन्होंने खुद कही थी। अब वो मुझे नहीं पता कि होती है या नहीं होती है, लेकिन उन्होंने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे भी यही मसलियत भी है कि अब इत्तेहादी जो है वो भी अपना नुक्ता नजर रखते हैं इस हवाले से कि किसको लाया जाए किसको ना लाया जाए। तो ये सारी चीजें देख के वजीर आजम के फिलहाल तो हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और उन वो अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाए। अमित साहब क्या इसके पीछे गालिबन ये वजह भी हो सकती है कि माजी में जब भी मुस्लिम नून की क्यादत ने ये फैसले किए वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए बैकफायर हुए, उनके बरखिलाफ गए उनकी तवक्कात के? नहीं ये तो देखिए मुस्लिम लीग के लिए तो नहीं कह सकते। अगर आपको याद होगा तो जियाउल हक का दौर भी था। जी ठीक है जी, वो भी वोटरों ने उनको लाए थे, वो उसके बाद परवेज मुशर्रफ को लाए ना सिर्फ जी नून लीग वाले, तो बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन उससे पहले के अदवार अगर हम देखें उठा के लियाकत अली खान से लेके और अब मुस्लिम लीग तक, तो उसमें भी तकरीबन ऐसा होता है, 3-4 दफा हमने माशाल्लाह देख चुके हैं ना, तो पहली दफा तो नहीं हो रहा। लेकिन मुस्लिम लीग हाँ इस मुश्किल में जरूर है इस वक्त, इत्तेहादियों को भी साथ रखना है। अगर साथ नहीं रखेंगे, आपको याद होगा कि अभी चंद दिन पहले आईटी पार्क का कराची में इफ्तिताह हुआ था, उसमें अमीरुल हक साहब जो विभागीय वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने बाकायदा माइक पे आके कहा था कि जी इसहाक डार जो है वजीर खजाना वो अपना रवैया दुरुस्त कर ले, वरना ये है कि वो अगर वो नहीं रहे तो वो भी नहीं रहेंगे। तो ये इत्तेहादियों की तरफ से भी तो एक चीज है ना कि वो भी तो अपने चीजों को सारी चीज आपको क्या लगता है अमीन साहब, जरा ये जो मामला है इत्तेहादियों की वजह से मुझे इत्तेहादियों की वजह से कॉम्प्लिकेटेड है या ये खुद इंटरनल इशू है? दूसरे अवामिल भी है, देखिए अवामिल बहुत से होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता की इत्तेहादी या सियासी जमातें होंगी। आपको अगर इंटरव्यू याद दिलाऊं, मैं एक साबिक हमारे जनरल थे हमीद गुल साहब का, जी उसको भी देख लीजिए आप, उनकी भी आवाज सुन लीजिए वो क्या कहते थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीजें हैं जिसके मेरे ख्याल से जो होगा बेहतर होगा, और मुझे तो लगता है कि इस हवाले से अमीन साहब क्या ये किसी किस्म का जो डिले हमें नजर आता है
क्या ये हुकूमत को फेवर करेगा या हुकूमत को मजीद कमजोर करेगा? नहीं, देखिए हुकूमत को तो किसी सूरत फेवर नहीं करेगा। जो अगर डिले होता है तो फिर इसकी सारे नुकसान जो है वो अपोजिशन अपने हुकूमत के उसमें जाते हैं और अपोजिशन उसका फायदा उठाती है। देखिए अभी आपका धरना जो है इमरान खान का जो रैली है जी, वो उसकी रफ्तार और स्लो हो गई है। ठीक है, जो पहले 14 तारीख को पहुंचना था आज 15 तारीख हो चुकी है जी। अभी तक तो कहीं नहीं है, इन्होंने कहा था कि मैं डायरेक्ट जो है वो पिंडी 14 तारीख को पहुंचूंगा 11 और 14 के दरमियान, लेकिन वो अभी तक लाहौर में। कल उनकी वीडियो हमने देखी है जो उनकी बैंडेज हुई है जी, नए जो सामने आई है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जाहिर बात है कोई बातचीत चल रही होगी या कोई ऐसा मसला। आपने बातचीत तक कहा अमीन साहब, गालिबन आज ही शामिद कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि इस वक्त तक कोई रबते नहीं हो रहे, ना उनके साथ है ना असद उमर साहब के साथ है। देखिए असद उमर शाह महमूद कुरैशी की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ खुद इमरान खान ने कहा है कि सदर मुमलिकत हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये तो उनके रिकॉर्ड पे बात है जी। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी दुनिया भर में चलती है। अच्छा अमित साहब, आपने खान साहब का तस्करा किया, खान साहब ने गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू दिया बरतानवी अखबार को, उस इंटरव्यू में जो बातें कही गई उसका पस मंजर क्या है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं हो पा रही, क्या खान साहब का जो मौकफ था अमरीकी साजिश के हवाले से, खान साहब उस मौकफ से मुकम्मल तौर पर पीछे हो चुके हैं, दस्तबरदार हो चुके हैं? देखिए अगर खान साहब उससे मैंने भी पढ़ा है सुना है, ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी बैकफुट पर खेलना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए कभी पीछे एक पैर एक कदम पीछे हटना पड़ता है, तो मैं नहीं समझता कि खान साहब इस स्टांस से, देखिए एक ही बयानी है उनका, उस बयानिए की वजह से वो मकबूल हुए, अगर वो बयानिया वापस ले लिया जैसे नून लीग ने लिया अपना बयानिया वापस, तो मैं नहीं समझता कि खान साहब को फिर कोई सपोर्ट मिल पाएगी, तो वो हो सकता है कि उसका आपस भाग से हटकर इंटरव्यू को पेश किया गया हो। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो है ना कि कल को अगर खान साहब इक्तदार में आते हैं तो खान साहब को कहीं ना कहीं अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ तो साथ मिलकर चलना होगा, तो शायद ये महसूस किया जा रहा है इस बात को कि मामला बेहतर हो सकते हैं, आने वाले इंतखाबात में कामयाबी हो सकती है, तो अभी से सूरत हाल को काबू करना शुरू किया जाए। देखिए मिलकर चलना और अपनी जो आजादी है उस पर समझौता करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप बिल्कुल मिलकर चले इसमें कोई हर्ज नहीं है, दुनिया के हर मुल्क के साथ आप अपने पड़ोसियों के साथ भी मिलकर चले, अच्छे ताल्लुकात रखें, हमें फायदा ही होगा, हमें नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल सही, लेकिन हमें अपनी आजादी अपने पाकिस्तान को भी देखना है कि हम कहीं से डिक्टेशन ना लें। देखिए हमारी भी तो एक आजाद खारजा पॉलिसी है ना, हमारा आजाद मुल्क है, हम गुलाम तो नहीं है किसी जी। अगर बुनियाद पे इसी तरह होगा हम बैठ के बात करेंगे, अच्छे माहौल में बात करें, उसके मुजाकरात करें, मुजाकरात के तहत जो हमारे अपने मुल्क के मफाद में उसको हम मद्देनजर रखें और मुल्क को मजबूत करने के लिए हम जो खान साहब हो कोई भी हो मुल्क को मजबूत करने के लिए खुशहाल बनाने के लिए जो इकदाम है वो करें। तो अमीन साहब अब आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो हफ्तों तक तो अब ये यकीनी बात है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं आ सकते, कोविड के पेशे नजर वो ट्रैवल नहीं करेंगे, वो मुलाकातें नहीं करेंगे। जो मैंने पहले जो पढ़ी है जो मुझे इतना मिली है वो इतनी नहीं माइल्ड है और उनको बट ये कहा तो गया है कि दो हफ्ते तक गालिबन अगर कोविड के मामला होते हैं तो ये शहबाज शरीफ साहब ट्रेवल नहीं कर सकते, तो सब तो फिर तो सारे मामला खत्म हो गए ना, फिर तो जो प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं है जी, तो फिर इसका फैसला कौन करेगा, और दो हफ्ते बाद मेरे ख्याल से जो डेडलाइंस जो एक्सपेक्टेड थी 25 तारीख की नवंबर 25 नवंबर की वो भी गुजर चुकी होंगी, तो फिर तो ये फैसला मजीद कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा, तो फिर आगे क्या होता दिखाई दे रहा है। देखें कुछ अरसा पहले भी इसी किस्म का एक फैसला इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ था, उसको डिले किया गया था ना कुछ माह के लिए, आपको याद होगा। बिल्कुल 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 मैं समझ गया आपकी तरफ इशारा करना, उसके भी तो इमरान खान की हुकूमत को नुकसान हुए जी। देखें वक्त पे चीज हो जाए तो सबका फायदा है, अगर हम डिले करेंगे तो फिर नुकसान है। अच्छा अमीन साहब ये भी जरा बताइएगा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की धरने की एहतजाज करने की इजाजत अभी तक नहीं दी गई है, तो तहरीक इंसाफ इस तमाम तो सूरत हाल को कैसे देख रही होगी, क्योंकि एक जानब हुकूमत क्लियर नहीं है, दूसरी जानब खान साहब की सेहत के मामला भी हैं जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक हुआ, और एक तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिक्स भी है कि वो चाहते हैं कि ऐसे टाइम पर इस्लामाबाद पहुंचे जब उनको कोई ऐसी चीज वहां से हासिल हो जिसके हवाले से वो मुतलाशी भी हैं, तो अब क्या नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि तहरीक इंसाफ का भी मुझे लग रहा है बहुत स्लो है, ठीक है, और खान साहब को 15 तारीख को पहुंचना था, 15 तारीख को गुजर गई, 14 था सॉरी,
तो 14 तो गुजर चुकी है कल, तो ये कब तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये भी बड़ा सवाल है। इंतजार कर रहे हैं, जो आपने बात की है ये भी इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो ऊंट किसी करवट बैठेगा तो मेरे ख्याल से यहां तक एक मतलब ने प्लान किया। आपको लगता है कि खान साहब किसी तौर पर कामयाब हुए प्रेशर बिल्ड करने में हुकूमत के ऊपर? देखिये वजीराबाद पे जहाँ पे इन्होंने इख्तिताम किया था, जहाँ फायरिंग हुई, जहाँ से सिलसिला टूटा था, वहां से सिलसिला शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने दोबारा जोड़ा, लेकिन उसके अंदर वो चीज नहीं है जो इमरान खान जिसके लीड कर रहे थे और जिस तरह पब्लिक आ रही थी वो हमें नजर नहीं आया। तो जाहिर बात है देखिए ना, एक लीडरशिप का भी चार्म होता है, एक लीडरशिप की। लेकिन आपको लगता है अमीन साहब के ये जो ओवरऑल एक्टिविटी तरीके इंसाफ की जानकारी की जा रही है उससे गवर्नमेंट को प्रेशर में जरूर डाला है? देखिए प्रेशर में तो आई ना गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के बयान सुन लें, उनके वजरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें जिनमें तीन तीन चार चार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उसमें क्या बयान दिए जाते थे और क्या होता था। देखिए प्रेशर बिल्ड करना तो एक अपोजिशन का काम होता है जी, अपोजिशन ने अपोजिशन कामयाब रही ना, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अपोजिशन खान साहब की जो अपोजिशन थी वो कामयाब रही, उन्होंने तन तना ये प्रेशर बिल्ड किया कि हुकूमत अपने फैसलों में सोचने पे मजबूर हो चुकी है। जी जी नजर तो यही आ रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस है। तो देखिए नजर आप किस चीज पे करेंगे, आप यही देखेंगे ना कि आवाम में मकबूलियत कितनी है जी, वो क्या फैसले हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम और क्या करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के तो एक ही चीज सामने आ रही है कि इमरान खान फिलहाल अपनी पॉलिसियों में कामयाब नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब, आपने वक्त दिया और अपने जबरदस्त तजिए से हमें आगाह भी किया और यकीन तौर पे ये बात हकीकी है कि जिस तरीके से खान साहब ने प्रेशर बिल्ड किया, हुकूमत को सोचने में मजबूर किया, हुकूमत को बैकफुट पे डाला, उसके बाद ये बड़े सारे सवालात खड़े हो रहे हैं कि हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से जो फैसले होने थे, अहम फैसले होने थे, हुकूमत जानती थी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, हर कोई जानता था कि ये फैसले होने हैं, इन वक्तों में होने हैं, इस तरीके से होने हैं। तो हुकूमत अगर ये फैसले नहीं कर पाई तो आखिर आज तक हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत के जहन में क्या चीज है जो हुकूमत को ये फैसला करने से रोक रही है। शहबाज शरीफ साहब की पहले मुल्क से रवानगी, बरतानिया में अहम मुलाकातें और अहम मुलाकातों के बाद फिर कोविड की इतलात के जो पेश नज़र दो हफ्ते तक की ये इतलात आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में ना किसी से मुलाकातें कर सकेंगे, ना कोई अहम मामला तय हो सकते हैं। तो ये यकीन ही है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा कैओस हो सकता है, हुकूमत को बड़े फैसले लेने होंगे, आम फैसले लेने होंगे, चाहे वो हुकूमत दानिस्ता तौर पर अपनी मंशा से ले या किसी भी तौर पर डिक्टेशन के तहत ले, ये फैसले ज़रूर होने हैं और होने ही होंगे, क्योंकि अगर ये फैसले नहीं होते तो जो सिस्टम है वो कोलैप्स करता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपने मेजबान उन्हीं को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।